आज के समय हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि पर हर छोटी से छोटी बात के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने की आदत सी हो गई है। लेकिन आप सभी को यह नहीं जानकारी होगी कि इसी आदत के कारण ही आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप सभी को अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर कोई भी प्रतिक्रिया देते समय या फिर अपनी पोस्ट शेयर करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय हम सभी अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर हर छोटी से छोटी बात के लिए किसी भी प्रकार का कोई पोस्ट या फिर कोई वीडियो बनाकर अपनी राय रखते हैं। लेकिन हमें अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर कोई भी पोस्ट या फिर वीडियो बनाकर अपनी प्रतिक्रिया देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप आपके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी ऐसी बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया देते हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कोर्ट की बात की मानहानि या फिर अवहेलना के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में कोर्ट आपको सजा भी दे सकता है। ऐसा ही एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कोर्ट की बात की अवहेलना और मानहानि का एक केस बताने वाला हूँ, जिसमें कि हरियाणा के एक एडवोकेट साहब ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश मीन्स जज के लिए अपने फेसबुक अकाउंट से कुछ प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश मीन्स जज ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन एडवोकेट साहब को 1 माह की साधारण कारावास मीन्स जेल की सजा सुनाई। न्यायाधीश मीन्स जज के पास यह पावर होती है कि अगर उनके खिलाफ किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से कोई व्यक्ति अगर कोई गलत प्रतिक्रिया अगर देता है तो वैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कोर्ट की मानहानि के अंतर्गत उन्हें सजा दे सकते हैं। और न्यायाधीश मीन्स जज को अपनी इस पावर को यूज करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि न्यायाधीश मीन्स जज को अगर स्वयं ही इस बात की जानकारी होती है कि किसी व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस न्यायालय की मानहानि मीन्स अवहेलना की है, तो कोर्ट उसे स्वयं ही बिना किसी व्यक्ति के शिकायत के ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दे सकती है। अपने इसी अधिकार के अंतर्गत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने हरियाणा के एडवोकेट साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 1 माह की सजा सुनाई, जिसके बाद की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दी गई सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी एडवोकेट अपीयर नहीं हुए, जिसके बाद की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को नोटिस भेजा। उस नोटिस के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह कहा कि उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से किसी भी एडवोकेट को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जिसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा कि जो हरियाणा के एडवोकेट साहब ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज मीन्स न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर जो भी लिखा था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत नहीं आएगा और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसलिए अगर आप भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हर बात के लिए प्रतिक्रिया देते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात के लिए अपनी प्रतिक्रिया नहीं दें जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कोर्ट की मानहानि और अवहेलना के अंतर्गत आए, तथा आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा भी दी जा सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।